तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि ATVM मशीन से आप कैसे कहीं भी जाना है तो आप उसका टिकट बुकिंग करेंगे, ठीक है। किसी भी ट्रेन का अनरिजर्व टिकट बुकिंग करने के लिए मशीन है, आप कैसे बुकिंग करेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, कैसे आपको टिकट रिसीव होगा, पूरा आपको कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस होगा ये मशीन का। यहाँ पे लिखा हुआ है मेल एक्सप्रेस टिकट निकालें, प्लेटफॉर्म टिकट भी इससे निकलता है और मेल एक्सप्रेस ट्रेन का अनरिजर्व टिकट भी इससे निकलता है, ठीक है। यहाँ पे ऑल अदर स्टेशन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख रहा है प्लीज इंटर डिस्टिनेशन स्टेशन नेम, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आप यहाँ पे नाम लिखे, यहाँ पे कीबोर्ड आपको दे दिया गया है। हमें जाना है, ठीक है, लालगढ़ बिहार, ठीक है, लालगढ़ बिहार। यहाँ पे इसका स्टेशन कोड भी आ गया LBD, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका सारा डिटेल यहाँ पे बता दिया गया है, 22 किलोमीटर और दूरी है, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड क्लास है, यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे बता दिया। और यहाँ पे चेंज कुछ इसमें पेमेंट करना था, आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, तो इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ मेल एक्सप्रेस और ट्रेन का आपको टिकट लेनी है तो चेंज जर्नी डिटेल पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको साथ में बच्चा ये सब हैं तो बच्चे को आप ऐड करना चाहते हैं तो कितने बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4 बच्चे को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक भी बच्चा नहीं है, 0 हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब मान लीजिए कि एक साथ में हम लोग चार लोगों को टिकट हम लोग ले सकते हैं अनरिजर्व टिकट को, ठीक है। दो पैसे एक यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट है, दो को लेना है तो दो पर क्लिक कीजिए, फायर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। 3, 4 लोगों तक हम लोग टिकट ले सकते हैं, तो फिलहाल हम अकेले जाएंगे तो हम अकेला है एक ही सिलेक्ट करेंगे एडल्ट में, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे क्लास इस सब आपको सब डिटेल्स हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रेन का यहाँ पे टाइप हो रहा है कि ऑर्डिनरी ट्रेन का आप लेना चाहते हैं, ठीक है, जो कि लोकल ट्रेन चलता है उसका लेना चाहते हैं, कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन का आप लेना चाहते हैं तो मेल एक्सप्रेस का आप सेलेक्ट कीजिए, सुपरफास्ट को लेना चाहते हैं सुपरफास्ट में क्लिक कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि आप जिस भी ट्रेन का आप टिकट लेंगे, जिस भी कैटेगरी का आप ट्रेन का टाइप में अगर सेलेक्ट करेंगे टिकट बुकिंग करने के लिए, आप उसी ट्रेन में आप सफ़र करेंगे तभी आपका टिकट वैलिड माना जाएगा, नहीं तो आपका इनवैलिड टिकट माना जाएगा, आपको जुर्माना भी ले लेगा, ठीक है। आप ऑर्डिनरी का टिकट लेंगे मेल एक्सप्रेस में चढ़ेंगे तो उसका आपको मतलब कि टिकट इनवैलिड कहा जाएगा, ठीक है, इसलिए आप सोच समझ के लीजिएगा। और सुपरफास्ट का अगर जो टिकट लेते हैं ना, मेल एक्सप्रेस और नारी दोनों में सफ़र हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका किराया थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और मेल एक्सप्रेस का अगर टिकट लेंगे तो हम लोग ऑर्डिनरी के में सफ़र कर सकते हैं उस ट्रेन से, लेकिन ऑर्डिनरी के लेकर के मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट में हम लोग सफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी का किराया कम ले रहा है रेलवे, ठीक है। तो आपको ट्रेन सर्च कर लेना है, समझना है कि आपको कौन सा ट्रेन में किस तरीका किस टाइप की ट्रेन में आपको सफ़र करनी है। तो मेल एक्सप्रेस में हम अपना ट्रेन को मेरा जो सफ़र करना है वो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। आप वेयर इज माई ट्रेन में भी आप ट्रेन का सर्च करेंगे तो आपका वहाँ पे लिख देगा एक्सप्रेस है क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मेल एक्सप्रेस हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और पे यहाँ पे लिख रहा है, हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे, तो पे पर हम क्लिक करेंगे, पेपर क्लिक कर दिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 30 रुपये इसका फेयर जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। आप एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा, यहाँ पे डालने में से लालगढ़ बिहार के लिए, लालगढ़ बिहार के लिए हमारा टिकट बुकिंग हो रहा है भैया राजहारा, ठीक है। यहाँ पे भैया आप देख रहे हैं कि भैया राजहारा यानी कि राजहारा को होते हुए जा रही है, उसका डिस्टेंस जो है बताया जा रहा है यहाँ पे 22 किलोमीटर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, माउस का कर्सर जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और एडल्ट एक यानी कि एक पैसेंजर का है और यहाँ पे चाइल्ड मेरे पास एक भी नहीं है, 0 है, मेल एक्सप्रेस से और यहाँ पे सिंगल जर्नी हम बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। QR पे यूजिंग एनी UPI ऐप यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इस पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को पेमेंट करने के लिए QR कोड जनरेट हो जाएगा और अपना फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम से आप यहाँ पे स्कैन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्कैन हमने कर लिया है और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, पेमेंट यहाँ पे हम करेंगे और अपना UPI डालेंगे। सिक्योरिटी पर्पज से लेकर के हमने पेमेंट के लिए हम कुछ हाइड करके रख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हमारा यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल होगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे टाइमिंग चल रही है, टाइमिंग के अंदर आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है तो फिलहाल यहाँ पे हमारा देख पा रहे होंगे कि टिकट जो है यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया टिकट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे टिकट हमारा प्रिंट होकर के रेडी हो चुका है, कहीं भी लाइन लगने की झंझट इसमें नहीं है।